गौर से सुनिए इस काजी को, मस्जिद में बैठकर ये मुस्लिमों को ज्ञान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर सच्चे मुसलमान हो तो बुज़दिल मत बनो, और अगर बुज़दिल हो तो मुसलमान नहीं हो। काजी साहब यहीं पर रुक जाते तो भी ठीक था, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा वो सुनकर आपका खून खौल जाएगा। कह रहे हैं कि अगर मस्जिद की तरफ आँख उठाकर भी देखा तो आँख फोड़ देंगे, मस्जिद की तरफ उंगली उठाई तो उंगली तोड़ देंगे। बहुत ही जिंदगी के सामने रहना, बुजदिली और ईमान दोनों एक दिन में जमा नहीं होते। अगर बुजदिल है तो मुसलमान नहीं है, और अगर मुसलमान है तो बुजदिल नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? इस मंजिल के जरूर उंगली उठेगी तो उंगली तोड़ देंगे। काजी साहब का बयान तो सुन लिया, ये भी जान लीजिए कि बयान आया कहाँ से है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो मेरठ का है। ये बयान दिया है मेरठ के शहर उलमा शफीकुर रहमान कासमी ने। कासमी ने कहा कि तुम्हारी गैरत क्या जवाब दे गई, अगर इस मस्जिद की तरफ उंगली उठी तो उंगली तोड़ देंगे, कोई आँख उठाएगा तो आँख फोड़ देंगे। बयान ऐसे वक्त में आया है जब हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहा तो विवाद होगा। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मैं इसलिए पूछ रही हूँ, जैसे क्योंकि आप गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश के नाते भी पूछ रही हूँ, क्या इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना, जो वहाँ की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ को ज्ञानवापी के साथ मस्जिद शब्द जोड़ने से कितनी आपत्ति है ये उन्होंने बता दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ मौलाना इस पर बेहद आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। ये बहस ऐसे वक्त में छिड़ गई है जब पहले से वाराणसी स्थित ज्ञानवापी का सर्वे कराया जा रहा है। एएसआई की टीम लगातार सर्वे कर रही है, और इस सर्वे में जो सबूत मिल रहे हैं वो हिंदुओं की दलीलों को सही साबित कर रहे हैं। इसीलिए सर्वे का विरोध करने के लिए मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी। फिर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए सर्वे जारी रखने की बात कही। अब इसी बीच ये विवादित बयान सामने आ गया जिसमें काजी साहब साफ कह रहे हैं कि जिसने भी मस्जिद की तरफ उंगली उठाई उसकी उंगली तोड़ देंगे, आंख उठाई तो उसकी आंख फोड़ देंगे। हालांकि आपको बता दें, मौलाना साहब का ये बयान हाल फिलहाल का है या फिर पुराना है इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसे वक्त में सामने आया है जब ज्ञानवापी का मुद्दा हर तरफ गूंज रहा है। बता दें, ज्ञानवापी के बहाने अब कुछ मौलानाओं ने पूरे देश में इसी तरह का भड़काऊ भाषण देना शुरू कर दिया है। बता दें, हाल ही में ज्ञानवापी में मौजूद तहखाने का भी सर्वे हुआ था। खबर है कि वहाँ पे भी मंदिर के टूटे स्तंभ के अवशेष मिले, जो बताने के लिए काफ़ी है कि मंदिर को तोड़कर ही इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। बहरहाल सर्वे लगातार जारी है। जिस तरीके से मेरठ के काजी ने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को खुली चुनौती दी है, उसे लेकर अब आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।